subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो मैं अंजु शर्मा और मैं नवीन शर्मा आ गए हैं आपका और हमारा फेवरेट शो लेके, घर घर बिग बॉस। घर घर बिग बॉस। तो नवीन जी, घर घर बिग बॉस अब बहुत गर्म हो चुका है, जैसे कि बिग बॉस गर्म हो चुका है। रुबीना काफी छाई हुई है, चाहे बात तो किसी भी तरह की हो, रुबीना के लिए ऑडियोज और वीडियोस भी आ रहे हैं। सच में। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं पहले ऑडियो को ही सुनाऊं या फिर कुछ आपको रसम अदा करनी है? नो, सबसे पहले मुझे ये बताना है कि जिसके ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर कौन सा है? बिल्कुल बताइए। तो दोस्तों, वो नंबर है 9833-1555-23। और मुझे एक रसम अदा करनी है, वो ये है कि जो हमारा ये शो पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब कीजिए, रेड वाला बटन दबा के और साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी दूर से आए ऑडियो से। जी, ठीक है, उनसे शुरू करते हैं, यानी कि रानी महेंद्र के ऑडियो से। नमस्कार जी, नवीन जी, अनंज जी। It's late, I know that. And मेरा टॉपिक सिर्फ अगेन वही है, रुबीना का। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से प्लेनेट से आई है। इसको पता भी है कि ये बिग बॉस में आई है और रियलिटी शो है। इसको ऐसा लगता है कि जैसे वो एक ड्रामा कर रही है जिसमें पार्ट प्ले कर रही है, इसलिए आई है। रियली कन्फेशन रूम में वो जो बातें कर रही थी और इतना रो रही थी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ ड्रामा है। एक कह रही मुझे इस शो में अब और काम नहीं करना। तो शो में आई किस लिए है? जब बिग बॉस ने कहा ओके आपको जाना है, तो खामोश रह गई। उसे जाना भी नहीं है, उसे रहना भी नहीं है। उसका मुद्दा क्या है ये वो समझा नहीं पा रही है, भी नहीं समझ में आया। उसको सामान कह दिया इसलिए इतना नाराज है। वो तो एक मजाक था, उसने मजाक को मजाक की तरह नहीं लिया। इसको पता भी है कि बिग बॉस में अभी कितने कितने बेइज्जतियां होनी है, कितने कितने लड़ाइयां होती हैं, कितने कितने पर्सनल अटैक होते हैं। डज शी नो दैट? नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता। उसे सिर्फ ये पता है कि उसने एक मुद्दा बनाना है, एक टॉपिक बनाना और उस पर उसने बात करनी है। और हमेशा उसकी बेइज्जती हो जाती है। उसे कौन सी इज्जत चाहिए? इज्जत बटोरने आई है। इज्जत बटोरने के लिए इज्जत वाला काम भी करो भाई। अगर किसी से इज्जत लेनी है तो पहले इज्जत देना सीखो। इसने किसी की इज्जत नहीं की है, सबको अपने से छोटा समझती है। और मेरा टॉपिक देखो, आज वहीं का वहीं आ गया, वही रुबीना, वही मेरी बातें। मैं आपको बोर तो नहीं कर रही, सॉरी। अच्छा चलो, अब जान की बातें करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में जान अपनी पूरी जान लगा रहा है कि अब मुझे इस शो में रहना है और निक्की का नौकर बन के रहना है। सॉरी, आई डिडंट मीन टू से दैट। वो एक्ट ऐसे ही कर रहा है कि बस उसके लिए निक्की उसकी दुनिया है और वो निक्की के आसपास घूमता है, उसकी मसाज करता है, उसे मनाता है। और आखिर में जो टास्क हुआ वो अच्छा हुआ। देखें कल कौन निकलता है। ओके, गुड नाइट। ये सवाल काफी लोग पूछ रहे हैं ये चीजें, तो ये बड़ा अच्छा तरीका आपका लगा मुझे कि भाई यहाँ पे इज्जत कमानी है तो इज्जत वाला काम भी करो। बिल्कुल। और ये शो है ही, इसका फॉर्मेट ही ऐसा कि अगर आप ये दोहाई देते रहोगे कि डिसरिस्पेक्ट हो गया, तो फिर आप कितनी देर तक टिक सकते हो वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बट यहाँ एक चीज जरूर है, क्योंकि काफी सारे ऑडियंस मैंने सुने हैं जो रुबीना के इस एक्शन के खिलाफ आए कि उन्होंने बड़ी छोटी सी बात को मुद्दा बनाया है। अगर मैं चाहते हो मैं अभी क्लियर करूं या मैं एंड में क्लियर करूं? दिल का तार, एंड में क्लियर करूं। एंड में क्लियर करूं, चलो ठीक। आगे भी मैं ऑडियो एक और सुनाती हूं, सेम टाइप है, रजत अरोड़ा जी का। हेलो सर। हेलो मैम, मैं रजत अरोड़ा बोल रहा हूँ। सर, जो आज की ऑडियो है तो मुझे शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोगों ने खुद ही कल देखा होगा ये रुबीना की नौटंकी। ये क्या कर रही थी रुबीना? मतलब कोई मुद्दा कुछ भी नहीं था उसके पास, और उसने जाके जो कन्फेशन रूम में किया कि सलमान सर ने मेरे हस्बैंड को समान बोला,
आई मीन सीरियसली ये कोई मुद्दा था? ये तो सिर्फ साफ साफ दिख रहा था सर कि यू नो नौटंकी, वरना अगर ऐसा कुछ नहीं होता ना, सीरियसली होता ना, तो बिग बॉस हमें दिखाते भी नहीं, नॉर्मल सी चीज़ थी ये जो बकवास की है ना इन्होंने अंदर जाके, इससे दिख रहा है कि क्या मतलब किस तरह की गेम खेल रही है रुबीना। और आपने कल ये भी नोटिस किया होगा कि जैस्मिन ने फिर से इजाज को टारगेट किया, फिर से उसने इजाज के वो वही इंटिमिडेशन वगैरह कुछ बकवास की उसने टास्क के टाइम पे। तो मेरा पॉइंट ऑफ जो था वो तो यहाँ पे क्लियर होता दिखाई दे रहा है, जो मैं कहना चाह रहा था पिछले दो दिनों से, कि ये दोनों लड़कियाँ यहाँ वुमेन कार्ड खेल रही हैं, ठीक है। दूसरा मैं मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है इसके जो कल टास्क के रिगार्डिंग था, वो टास्क तो चलो आपने देखा ही होगा, गौहर और हिना भी कंटिन्यूसली जो मतलब बार बार चीटिंग 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 चिल्ला रही थी, वो क्लियर दिख रहा था कि कौन चीटिंग कर रहा था और कौन गेम खेल रहा था। बाकी अब ये कल के एपिसोड से तो ये बात तो प्रूव हो गई है कि रुबीना और जैस्मिन दोनों की दोनों यहाँ सिर्फ वुमन कार्ड खेलेंगी, रोना धोना करेंगी और कुछ नहीं है। अरे कल जो कल पहली बार मैंने पवित्रा का जो रूप देखा ना, सीरियसली मज़ा आ गया कि जो बंदी ने गौहर के बारे में बोला, हर चीज़ बोली, यही चीज़ तो देखनी थी मुझे पवित्रा में। चलो अब शायद कल, अब पता नहीं वो चाहे निकलने वाली थी इसलिए सब कुछ बोला है या फिर सचमुच में इस बात को वो मानती है, तो बाद में देखा जाएगा। बट आज अभी भी अगर कोई लोग कुछ लोग अगर रुबीना को डिपेंड कर रहे हैं ना, तो सीरियसली मैं तो इसके बारे में अब कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि अब तो इस लड़की की गेम ख़त्म हो गई है, दिख रही है भाई क्या गेम खेल रही है। हाँ ठीक है ये भौएं हैं कलर्स की तो शायद ये आगे तक जाएं, बट मुझे नहीं लगता ये कोई विनिंग मटेरियल है, ना जैस्मिन ना रुबीना। मुझे तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अभी घर में है वो पवित्रा है, निकी है, इजाज़ है। ये बार बार ये चीज़ें जो ये कर रहे हैं ना बहुत बेकार लग रही हैं, मतलब ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये बिग बॉस में आई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे टीवी सीरियल चल रहा है इन दोनों बहुओं का, ये जैस्मिन और ये रुबीना का, ये फालतू की नौटंकी। अभी तो चलो अभी तो सिर्फ गेम स्टार्ट हुई है, अभी से इनकी सब ये जो है ड्रामेबाजी जो स्टार्ट हो चुकी है, बट मुझे लगता नहीं है कि आगे तक मतलब जीतने विनिंग मटेरियल मुझे तो नहीं दिख रहा है इन दोनों में से। हाँ पवित्रा पुनिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट वो काफ़ी अब कल जाके उसने कुछ बोला है तो मैं तो चाहता हूँ कि आगे ये कंटिन्यू रखे तो अच्छा रहेगा। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि कल आपने देखा होगा रुबीना बेडरूम से जब निकली थी तो सबको गाली दे के निकली थी, उसने बाहर निकलते टाइम गाली दी थी, मतलब तुम खुद तो तुम किसी को कुछ भी बोल देती हो, तुम्हारे मन में जो आता है, मतलब तुमसे तुम्हारे साथ कोई मजाक करते हो वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। वेरी गुड, दिख रही है तुम्हारी हिपोक्रेसी। इसमें भी वही शिकायत है कि मुद्दा बनाया छोटी सी बात को रुबीना ने और नौटंकी कर रही है रुबीना। बाप रे बाप। आगे कुछ है अपने पास नवीन जी? तो रजत अरोड़ा के बाद फिर पहले तो मैं नंबर बताता हूँ, मध्यांतर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो नंबर है दोस्तों जिसके ऊपर ऑडियो वीडियो भेजने 9833155523। बिल्कुल। तो उसके बाद अभी एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे आज तो आपने, मैं थोड़ा सा नासाज तबीयत से थी बट आपने काम किया है। जी जी वीडियो देखिए, विशाल जैन जी का वीडियो। ओके। हेलो सर, हेलो मैम, हैव अ नाइस डे। कल एपिसोड देखा, सीनियर की जो टीम बन चुकी है रूइस की तरह, बहुत मज़ा आया। और मुझे अब मैं पवित्रा पुनिया के पूरी तरह अगेंस्ट हो चुका हूँ, जिस तरह वो सीनियर्स के पीछे पीछे बातें कर रही थी, अनफेयर है, वो है, फलाना है। मैडम आपने तो क्या किया, आपने पिछले दो हफ्तों से मुझे आपका कुछ भी नहीं दिखा। पवित्रा पुनिया, यू आर ज़ीरो टू माय अकॉर्डिंग। आपका जो एक घर में अलग स्टैंड था, और अभी जो कॉलर ने भी आपको बोला था, आपने बोला था कि वो दिखेगा दिखेगा, पर कब दिखेगा? असली पवित्रा पुनिया हमें कब मिलेगी? और यहाँ पर जिस तरह सिद्धार्थ शुक्ला ने अनफेयर किया सीधा तौर पर, वो तो उसे अंजाम बिग बॉस ही दे देंगे, उनकी टीम बाहर हो चुकी है। और वेल प्लेयर हीना, माय बेस्ट टीम फॉर माय अकॉर्डिंग एंड यू आर।
और हर बार की तरह इस बार भी जासमीन ने दिलों और जान से अपनी ताकत के अनुसार एजाज को टक्कर दी है। जिस तरह वो बोल रहा था तेरी पैर तोड़ दूंगा, ये उसका थ्रूवर्ड द एटीट्यूड है अ वुमन। उसको तो मालूम है मैन हो या वुमन, बट उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू खेलना है और वो बहुत अच्छा प्ले करेगी। जैसे हमने बहुत सारे रियलिटी शो में भी देखा है, खतरों के खिलाड़ी, मेक इन इंडिया खतरों के खिलाड़ी, जिस तरह उसने परफॉर्म किया है वो काबिल तारीफ़ है। और आई होप वो बिग बॉस फिनाले तक जाए और हम मुँह से दिल और जान से सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह कल एक महाशय ने बहुत अच्छी शायरी बोली जासमीन के लिए, दिल से थैंक यू वेरी मच। और सिद्धार्थ शुक्ला की टीम बाहर हो चुकी है, आई एम वेरी हैप्पी। यस, जो सिद्धार्थ शुक्ला के नाम पर पुपुड़ी बजाते थे, कहाँ गया जलवा। सिद्धार्थ शुक्ला हिना खान के सामने जीरो है, हिना खान के सामने। चलो आप खुश तो हुए विशाल जी। खुश हुआ। बाकी रही पवित्र पुनिया की बात, तो जो पवित्र पुनिया ने धमकी दी है सबको कि अपने डैडी से हेडफोन मंगा लो, तो लग रहा है कि कुछ तो धमाल करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये गीदर बबकी हुई तो फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगी। खैर देखते हैं, मगर विशाल जी आपके वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आगे बढ़े नवीन जी। हाँ जी जी, तो अभी आप सुनिए एक और ऑडियो आया हुआ है जी, तो अश्लेष ठाकरे जी का ऑडियो सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। बिल्कुल। हाय सर। हाय मैम, मैं अश्लेष बोल रहा हूँ। मुझे थोड़ी रजत अरोरा के जो कल का मैंने ऑडियो सुना उन पर थोड़ी शिकायत है। मैं उसको रिप्लाई देना चाहता हूँ जो उसने जासमीन के बारे में सोचा था, कि जो अभिनव या रूबीना करती है वो वही, मतलब उनके साथ ही चलती है, मतलब वो जो डिसीजन लेते हैं उस पर। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, उन्होंने ही इस बात पर बोला था कि जब हिना की टीम चूज करने की बारी आई थी तो अभिनव और रूबीना ने हिना की टीम चूज़ की थी, और उसके बाद जासमीन की बारी है, जासमीन ने भी वही टीम चूज़ की थी हिना की। तो वो बोल रहे थे कि उनका अभी, मतलब जो रजत अरोरा बोल रहे थे कि उनका इतना अच्छा दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला है तो वो उस टीम में क्यों नहीं गई। तो यही पे मैं उसको बोलना चाहता हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पर मतलब घर में, घर के बाहर उनका दोस्त थे, मतलब दोस्ती निभाने की बात बोले तो सिद्धार्थ शुक्ला ने शो में आके जासमीन के साथ मुझे कहीं पे भी नहीं देखा कि वो अपनी दोस्ती निभा पाए। पहले टास्क में, जब उस टास्क में जासमीन विनर थी, उसके ग्लास में सबके लास्ट पानी भरा था, उसी टाइम पे भी सिद्धार्थ ने जासमीन के रॉन्ग डिसीजन देके निक्की को विनर बना दिया था। सेकेंड टास्क बोलूँ तो बॉल वाला, उसमें भी सिद्धार्थ जासमीन के बहुत खिलाफ था। तो मुझे लगता है दोस्तों के उसके टीम में जाने का क्या फ़ायदा। और एक बात है बोलूँ, जासमीन उस टीम में क्यों नहीं गई होगी, तो मुझे लगता है जासमीन का एजाज से ज़्यादा बनता नहीं है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब पहले जासमीन को पूछा जाता तो मैं श्योरली बोलता कि जासमीन सिद्धार्थ की टीम चूज कर सकती थी, लेकिन वो क्यों नहीं गई, तो मुझे लगता है पहले एजाज को पूछा, एजाज ने वो टीम सिलेक्ट कर ली सिद्धार्थ की। सेकेंड टाइम निक्की, हम लोग तो पहले एपिसोड तक यहाँ तक देख के आ रहे, तो निक्की और जासमीन की मतलब बनती नहीं, मतलब शुरुआत में से ही दोनों का बहुत क्लेशर चल रहे, अनबन हो रही है। तो मुझे लगता है जहाँ पर निक्की होगी वहाँ पर जासमीन नहीं जाना चाहती होगी, तो इसलिए उसने सिद्धार्थ को टीम चूज नहीं किया होगा। और तीसरी बात मुझे, मतलब पवित्रा तो मतलब पवित्रा और उनका इतना कुछ बनता नहीं, लेकिन दो ही रीज़न है कि वो सिद्धार्थ की टीम में जासमीन और निक्की थी, इसलिए जासमीन ने सिद्धार्थ की टीम नहीं चुनी। और कल के एपिसोड के बारे में मैं बात करूँ तो मुझे लगता है रूबीना के जीतने के चांसेस अभी तो मुझे लगता है बहुत कम हो गए, क्योंकि जो मतलब अब तक मैंने जो भी सीजन देखे, जो भी बिग बॉस के खिलाफ स्टैंड लिया है, मतलब जो अनबन किए बिग बॉस से, तो मुझे लगता है वो जीत नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। श्रीसंत था और दीपिका था, उस टाइम श्रीसंत ने भी बहुत कुछ बिग बॉस के बारे में बोला था, तो वो भी उन्हें विनर नहीं हो पाया था। लोफा मुद्रा राउत थी,
मनवीर गुज्जर था मुझे लगता है उस टाइम भी, बानी थी तो उस टाइम भी बहुत, बानी और लोफा तो बहुत ज़्यादा बिग बॉस के खिलाफ गई, तो इसलिए उसको भी विनर, मतलब विनर हो नहीं सकी। तो बहुत ऐसे मैंने सीजन देखे, तो उस जब बिग बॉस के आप लोग खिलाफ जाते तो मुझे लगता है वहाँ पे बिग बॉस उन लोगों की नेगेटिविटी दिखाना लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाते बिग बॉस। तो मुझे लगता है अभी पता नहीं रूबीना ने बहुत, मतलब बहुत गलत किया, मतलब सलमान की वहाँ पे कुछ गलती नहीं थी उस, मतलब आप शो में आए होते, मजाक मस्ती चलता है, बाहर भी बहुत लोग आप लोगों को कुछ और बोलते हैं, हम लोग वहीं पे अड़े नहीं रहते, हम लोगों का आगे जाना है तो बहुत ऐसी बातें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी और आगे जाना पड़ेगा। और यही बिग बॉस का रूल का फॉर्मेट है कि बहुत अपर बोला जाएगा, बहुत अपर आपको मतलब उपसाया जाएगा कुछ गलत करने की, बहुत गलत करना चाहिए इसलिए आपको बहुत टॉर्चर किया जाएगा, बहुत कुछ आपको सहना है, बहुत कुछ बातें सुननी है। तो यही मतलब आप इस, मतलब ऐसे बहुत कंडीशन आते हैं कि बहुत आप लोगों को अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन आप उस सिचुएशन से कैसे, मतलब सिचुएशन से कैसे आगे निकलते हैं, वही लोग आपको देखते हैं और वही लोग पसंद करते। कि अभी जब सीजन 11 था उसमें आरसी खान ने तो कितना तंग किया था शिल्पा शिंदे से, लेकिन शिल्पा शिंदे अपने अच्छे तरीके से निकल कर विनर बन गई। तो मुझे लगता है आप भी वैसे ही करें तो बहुत आगे जा सकती थी, लेकिन आप बहुत, मतलब छोटे छोटे बातों का बहुत मुद्दा बना रही है, आप बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत अच्छे से मुद्दे प्रेजेंट करती हो, लेकिन आप जो मुद्दा आपको बनाना चाहिए वो मुद्दा रूबीना जी आप बनाती नहीं हो, और जो मुद्दे का इतनी अहमियत नहीं होती उस मुद्दे पर आप बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करती हो, और वो मुद्दा आप मतलब नहीं बनाना चाहिए तो आप वो उसको भी मुद्दा बना लेती, यही पर आप गलत मतलब जाती है। उसके बाद बोलूँ तो स्टार शुरू हुआ, उसमें मुझे सिद्धार्थ की टीम हार गई तो पता नहीं अब आगे बिग बॉस क्या डिसीजन लेंगे, लेकिन मुझे लगता है सिद्धार्थ को हार मंजूर नहीं होती, मतलब हार गए कल उसकी गलती थी इसलिए वो चुप बैठा, क्योंकि गौहर भी और हिना भी इतने कुछ बोले लेकिन वो बोल नहीं पाया, क्योंकि नहीं तो सिद्धार्थ को मैंने अभी, मतलब अभी तक फॉलो किया तो मैंने इतना चुप बैठे हुए नहीं देखा, क्योंकि उसकी मतलब कल उसकी शायद उसकी टीम की बहुत गलती थी इसलिए वो चुप बैठ के सुन रहा था, नहीं तो मुझे लगता है उसकी टीम की गलती नहीं रहती तो वो बहुत चिल्ला था इन दोनों पे, लेकिन वहाँ पे उनकी टीम के तीनों सदस्य अंदर चले गए इसलिए मुझे लगता है वहाँ पे उन लोगों ने गलती कर दी। और हिना टीम के चार सदस्य अंदर थे लेकिन दो ही अटैक कर रहे थे, लेकिन दो अपने सेफली बाहर खड़े थे, इसलिए मतलब बिग बॉस डिसीजन ले सकते हैं कि अटैक करने में और बाहर देखने में बहुत फर्क होता है। और पवित्रा की बात करूँ तो पवित्रा ने, मतलब कल पवित्रा की असली पर्सनैलिटी दिखी, क्योंकि जो गंदी तरीके से उसने गौहर को गालियाँ दी कुछ दी, मुझे लगता है ये बहुत ही घटिया हरकत थी। हार के बाद आप लोग किसी को मतलब अब्यूज़ कर रहे हैं, किसी के बारे में इतना गलत गलत बोल रहे, तो मुझे लगता है पवित्रा मुझे लगता है बहुत गंदगी मचा रखी है कल के एपिसोड में। एंड आई एम श्योर पवित्रा आगे कितनी भी अच्छी करेगी तो मैं बोलता हूँ मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा, और मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं उसने कितने भी अपना रंग दिखाने की, अलग अलग रंग दिखाने की कोशिश की, तो मुझे लगता है पवित्रा की अब तक जो थी वो अपनी असलियत नहीं दिखा रही थी, और कल के एपिसोड में जो उसने दिखाया, गालियाँ बकना, झगड़ा करना, किसी को उकसाना, किसी के बारे में गलत गलत लैंग्वेज यूज़ करना, तो मुझे लगता है यही उसकी असलियत है और वही वो पवित्रा है। मुझे लगता है जो गंदगी उसने बकी कल के एपिसोड में, मुझे जो बिप किया हुआ है फिर भी उसके जो होठ है उससे साफ पता चल रहा था कि वो क्या आपने मुझसे गंदी गंदी वर्ड यूज़ करी थी, इतना शर्मिंदा लग रहा था कि देखने के लिए घर के सामने जो आप एक औरत ही औरत को क्या बकती है, मतलब क्या वर्ड यूज़ करती है, तो मुझे लगता है वहीं पे यही शर्मिंदगी थी कि एक औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर रही, और मुझे बहुत उस बात पर गुस्सा आया। आई थिंक पवित्रा नहीं रहेगी शो में तो बहुत अच्छा है,
आई डोंट नो आगे क्या बिग बॉस डिसीजन लेंगे। उसके बाद मुझे लगता है सेजत का भी बिग बॉस बोले कि सेजत इस कार्य का हिस्सा नहीं हो सकते, उसको मतलब घर के बाहर जाना है। मुझे लगता है आपको सेजत को घर से बाहर ही निकलना, मतलब उसका डिसीजन पहले ऑलरेडी था कि उसको घर के बाहर ही जाना है, तो क्यों उसको दो दिन रुका के उसको गायब का इतना बड़ा लहंगा पहना के क्यों घर में रखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या वो लोगों को दिखाना था कि उसका वो वाइट कलर के लहंगे में क्या सेजत कैसा दिखता है, दो दिन देख लो, तो आपको निकालना ही था बिग बॉस तो उसको वीकेंड पे ही निकाल देते ना, क्यों आपने इतने उसकी मतलब उसको घर में रख के इतना उसका मतलब मुझे लगता है उसका अपमान करके निकाल रहे, क्योंकि इतना बहुत अच्छा बंदा है, बहुत शरीफ है, बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन आप बिग बॉस ने मुझे लगता है जो भी सारा के साथ भी बहुत गलत किया और सेजत के साथ भी बहुत गलत किया, उसने सेजत इतना मतलब सेजत को वीकेंड के बाद में इतनी कम वोट आके भी उस पवित्रा के बोर्ड को सलमान ने मैनिपुलेट करके उसको अपना बोर्ड चेंज करने के लिए कहा। मतलब मुझे लगता है ये बिग बॉस की साजिश थी कि इसको रख के जान को रख के सेजत को निकालना है तो उस दिन ही निकाल देते ना, बहुत अच्छा होता। और सेजत को निकालने की बात की तो मुझे लगता है और रहता तो बहुत अच्छा आ गया और कुछ मतलब अच्छा करता, पता नहीं अब क्या डिसीजन लेते। बोल न्यूज़ तो आ रही कि सेजत इविट हो गया, और जान की बात करूँ तो जान अभी भी कुछ नहीं कर रहा घर में, सिर्फ निक्की के पैर दबाना क्या मान दबाना वही करने आया मुझे लगता है घर में। उसकी मतलब जो वो उनका पिता का नाम इतना बड़ा है, मुझे लगता है उस नाम के मतलब घर में वो नाम कमाने की वजह से डुबाने के लिए आया है ऐसा लग रहा है। और एक बात बोलूँ तो वो जो सिंगिंग की बात कर रहा था ना, तो जान जो राहुल है ना, राहुल ने इंडियन मतलब वो फाइनलिस्ट रह चुका है, वो टॉप टू में रह चुका है, वो और आपकी कंपैरिजन कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने बहुत अपना नाम कमा के आगे आया है राहुल। और जान तो अपने पिता के नाम से आगे बढ़ के बिग बॉस में आके नाम कमाना चाहता है, लेकिन मैं बात बोलूँ तो नाम कमाने की वजह से नाम डूबा रहा है। देखते अब क्या आगे तू करता है, बिग बॉस ने आपको रखा है तो मुझे लगता है घर में तो बहुत मतलब निक्की के साथ ही रहे और निक्की के ये हाथ पैर दबा के रहे, देखते आगे क्या क्या कर सकता है। बिग बॉस ने आप पे आपको रखा है तो देखते हम लोग तुझ में क्या क्या और क्वालिटी है, किस किस की सेवा तू ज़्यादा कर सकता है, किस किस को खाना तू ला के दे सकता है बेड पे, किस किस के पैर दबा सकता है, और भी बिग बॉस आपकी असलियत दिखाने के लिए आपको रखना चाहते। थैंक यू सो मच, इतना ही बोलता हूँ, बहुत मुझे भड़ास आ रही है पवित्रा के ऊपर, देखते अब क्या डिसीजन लेते। और थैंक यू सो मच। देखिए देखो मैं आपको कहा था कि ये रुबीना का को थोड़ा सा अपना बदलना पड़ेगा तरीका, ये रुबीना के फैन थे पहले, हाँ। तो अब रुबीना इन्होंने कहा कि आपने स्ट्रॉन्ग थे, आप क्या क्यों फालतू के मुद्दे बना रहे हो, बिल्कुल आप पॉइंट अच्छे तरीके से रख रहे हो, आप सीधा सलमान खान के साथ बिग बॉस के साथ पंगे ले रहे हो, तो वो सब चीजें हैं। तो मैं अब जैसे आपने कहा था कि एंड में मैं इस बात को थोड़ा सा छेड़ू, तो मैं जरूर अपनी बात रखूंगी, वीडियोस में तो मैं रखती ही रहती हूँ, मैं घर घर बिग बॉस में आप भी साथ में होते हैं, हम भी दोनों भी साथ में होते हैं, तो ये मुझे लगता है ये रुबीना की स्ट्रेटजी भी हो सकती है, क्योंकि जो पहले बिग बॉस में नहीं हुआ है वो मैं इस बिग बॉस में करूं। अभिनव की भी हो सकती है कि हम दोनों मिलके उस बंदे को टारगेट करें जो अभी तक टारगेट नहीं हुआ, यानी कि सलमान खान, वो भी सेकंड हफ्ते में, है ना, बिग बॉस। तो उनको कहीं ना कहीं पता है कि हमें बिग बॉस निकालेंगे नहीं, अगर मैं डामाडोल हुई तो अभिनव आ जाएंगे संभालने के लिए, तो ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि ये बिग बॉस का खेला है भाई, कुछ भी हो सकता है, मुझे ये लगता है। बाकी तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे, है ना, यही सी ऑयल एंड सी ऑयल्स धार एंड नंबर जान लो मेरे यार के नंबर क्या है जिसके ऊपर ऑडियो और वीडियो भेजने हैं, 9833135523 के ऊपर फटाफट से ऐसे मुंह हाथ धो के ऐसे शीशे के सामने मोबाइल का बैट कीजिए ऑन और फटाफट से वीडियो बना दीजिए या फिर ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। बिल्कुल वीडियो भेजेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल हर कोई स्मार्ट है स्मार्टफोन को लेके, तो स्मार्ट बनिए और वीडियो भेजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.